आज की वीडियो में हम वर्गों की संख्या निकालना सीखेंगे। देखिए, इस तरीके से दो फिगर हमने लिए हैं। फिगर आपका कोई भी आ सकता है, छोटे बड़े हो सकते हैं। तरीका जो यहाँ पे लगाएंगे वही मेथड जो है वहाँ पर अप्लाई करना है, उसी मेथड से आप जो है वर्गों की संख्या पता कर पाएंगे। देखिए, यहाँ पर इस तरीके से बॉक्स बने हुए हैं, यानी वर्ग हैं, तो इसमें काउंटिंग करनी 1, 2, 3, ठीक है। इस साइड में भी करनी है और नीचे की साइड में करनी है। 1 के बाद आता है 2 और 3, कुछ इस तरीके से आ गए नंबर्स हैं। जब नंबर्स हमारे सेम होते हैं तो इन पे हम स्क्वायरिंग कर देते हैं, यानी 1 का वर्ग करेंगे प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर 3 का वर्ग, अभी वर्ग निकालेंगे, 3 3 9 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 1 कम 1 हो जाएगा, 9 4 13 और 1 14, तो इस तरीके से, यानी इसमें 14 हमें मिल जाते हैं टोटल वर्ग। अब यहाँ पर इस तरीके से फिगर दिया गया है, यानी एक साइड में अगर नंबरिंग करते हैं 1 2 आता है, एक साइड में 2 और 3 आ गया। अब क्या करेंगे, कैसे पता करेंगे इसमें टोटल वर्ग कितने बन रहे हैं। कोई बात नहीं, इसमें बड़ी संख्या हमको 3 मिल रही है, 3 × कर देंगे 2, यानी इस साइड वाली 2 रहेगी, इस साइड की 3। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद एक एक कम करते जाइए, अब मल्टीप्लाई करते जाइए। 3 × 2 = 6 हो गया, और यहाँ पर 3 से 1 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर 2 से 1 कम होगा तो 1 हो जाएगा, यानी 2 कम 2 हो जाएगा। इसके बाद हम 1 कम करेंगे तो 0 आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर बस इतनी संख्या को 1 तक लाना है, उसके बाद जोड़ लेना है। 6 और 2 कितना हो गया 8, तो यानी टोटल इसमें वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी 8। तो तरीका आप लोगों को अप्लाई करना है इसी तरीके से। मान लीजिए यहाँ पर संख्या सेम है, तो यहाँ पर इस तरीके से स्क्वायरिंग करते हैं, ठीक है। अगर इसकी संख्या यहाँ पर कम ज्यादा है, इस साइड में 3 है, इस साइड में 4 है, इस पर हमने वीडियो अपलोड की है, आप उसको देख लीजिएगा, उसे आप समझ जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।